Hello friends, this is Deepak Rawal and today I am going to discuss about parthenogenesis. What is parthenogenesis? आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये parthenogenesis का concept क्या है. तो if we see the parthenogenesis, अगर हम इसके root में जाएं और देखें तो ये जो parthenogenesis word है वो दो word से मिलकर बना है, parthenos plus genesis. parthenos means वर्जिन, मींस वर्जिन हम उसे कहते हैं जैसा कि हम जानते हैं कि जिसने कभी भी मेटिंग ना की हो, सेक्स ना किया हो. इंडिविजुअल हु डू नॉट हैव सेक्स टिल इज कॉल्ड वर्जिन. एंड द जेनेसिस मींस बर्थ, यानी कि वे इंडिविजुअल्स जो बिना सेक्स या मेटिंग किए बच्चे पैदा करते हैं उस प्रक्रिया को हम पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे. लेकिन दिस इज डेफिनेशन ऑफ द पार्थिनोजेनेसिस इज समवट डिफरेंट. इफ यू सी द डेफिनेशन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, द डेफिनेशन ऑफ पार्थिनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. अगर एम्ब्रियो का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन के बिना ही हो जाता है तो हम उसे पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे. स्पर्म और ओवम का फर्टिलाइजेशन ना हो, फ्यूजन ना हो और एम्ब्रियो का डेवलपमेंट हो जाए, उस प्रक्रिया को पार्थिनोजेनेसिस कहेंगे. जनरली पार्थिनोजेनेसिस जो है वो नेचर में नेचुरली पाई जाती है और ये प्रकृति का अपना तरीका है इंडिविजुअल्स और स्पीसीज को सर्वाइव करने का. मतलब हम कभी खत्म ना हो, इसलिए प्रकृति अपने तरीके से काम करती है. जनरली ये बहुत सारे एनिमल स्पीसीज में इसको देखा गया है. अगर हम बात करें तो बहुत सारे आर्थ्रोपॉड्स, यहाँ तक कि फिशेस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, इवन इन द मैमल्स, और कुछ रिपोर्ट्स तो यहाँ तक भी कहती हैं कि ये ह्यूमंस में भी पाया जाता है. पर हम इस पर ध्यान नहीं देते क्योंकि जो मैरिड कपल जिनके बच्चे होते हैं वो यही समझते हैं कि हमने जो बच्चे हैं वो हमारी मेटिंग से हुए हैं, सेक्स से हुए हैं. लेकिन अभी इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस यहाँ पर सामने नहीं आया है, पर ऐसे केसेस रिपोर्ट किए जा चुके हैं. लेकिन अगर हम बात करें कि पार्थिनोजेनेसिस क्या है और उसका कॉन्सेप्ट क्या है, तो अगर हम देखें कि सबसे पहले तो इन पार्थिनोजेनेसिस की जरूरत क्या है, सबसे पहले वो कौन सी कंडीशन है जो इस पार्थिनोजेनेसिस को इंड्यूस करती है, उसके बारे में हम इसको डिस्कस करें तो हम इसके कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह से समझ पाएंगे. देखिए, पार्थिनोजेनेसिस इज डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन. फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी फॉर डेवलपिंग द वेरिएशन इन द इंडिविजुअल्स ऑफ सेम स्पीसीज. लेकिन अगर हमें वेरिएशन की जरूरत न हो किसी कारण से, तब पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस होगा. और हमें वेरिएशन की जरूरत कब नहीं पड़ेगी, जब इन्वायरमेंट में कोई भी बदलाव ना आए. जैसे कि डार्विन की थ्योरी कहती है डिसेंट विथ मॉडिफिकेशन, समय के साथ जीवों में बदलाव होता है क्योंकि समय के साथ इन्वायरमेंट में बदलाव होता है. लेकिन किसी वजह से अगर इन्वायरमेंट स्टैटिक रहे, हालांकि ऐसा होता नहीं है, लेकिन अगर हम इन्वायरमेंट थोड़े समय के लिए भी ऐसा हो कि इन्वायरमेंट में बिल्कुल बदलाव ना हो, तो हमें वेरिएशंस की कोई जरूरत नहीं होती, तब पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया इंड्यूस होती हुई देखी गई है. अगर हम दूसरा बात करें इसका, तो दूसरी जो कंडीशन होती है जब ये देखा गया है, जब मेल्स आर नॉट अवेलेबल, अगर किसी वजह से फीमेल्स को आइसोलेशन में रखा जाता है, जैसे किसी आइलैंड पर या फिर एक्वेरियम में, तो ये देखा गया है कमोडो ड्रैगन को जैसे आइसोलेशन में रखा गया. और व्हीपटेल लिजार्ड की अगर हम बात करें, कुछ हैमरहेड शार्क्स और दूसरी शार्क्स और मैमल्स की बात करें, जब इनको आइसोलेशन में रखा गया तब फीमेल्स अपने आप बच्चे पैदा करने लगी विदाउट द मेल. जब मेल्स अवेलेबल नहीं होते हैं तब फीमेल कंटिन्यू करती हैं डेवलपमेंट को विदाउट द फर्टिलाइजेशन, यानी कि प्रकृति इस बात को इंडिकेट करता है कि मेल्स आर नॉट इम्पोर्टेंट इन द नेचर रेदर देन फीमेल्स, फीमेल्स आर मोर इम्पोर्टेंट.
और इसीलिए फीमेल का होना बहुत जरूरी है अगर किसी भी स्पीसीज को आगे बढ़ाना है, चाहे फर्टिलेशन हो चाहे ना हो। मेल्स आर नॉट दैट नेसेसरी। इससे हम ये भी पता लगा सकते हैं, एक गेस कर सकते हैं कि शायद फीमेल का ओव्यूलेशन पहले हुआ हो और मेल्स आर सेकेंडरली कन्वर्टेड फ्रॉम फीमेल्स, यानी कि फीमेल्स पहले आई और मेल का बाद में इवोल्यूशन हुआ, उसके बाद इवोल्यूशन ऑफ सेक्स हुआ फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरिएशंस। और तीसरी जो कंडीशंस है वो ये है कि जब रिसोर्सेज आर इनफ, अगर जैसे कि फूड रिसोर्स की अगर हम बात करें या फिर जो भी फूड है, वाटर है, ओटू है, अगर ये काफी मात्रा में प्रेजेंट हो, काफी ज्यादा मात्रा में अवेलेबल हो, तो कंपटीशन कम हो जाता है। कंपटीशन कम हो जाता है तो जो सिलेक्शन है, नेचुरल सिलेक्शन की प्रक्रिया है, जो सर्वाइवल ऑफ फिटनेस है, वो लो थोड़ा सा वहाँ पर वीक हो जाता है। यानी कि कंपटीशन कम है, यानी कि हमें सिलेक्शन की जरूरत नहीं है, हमें कम इस कारण से हमें वेरिएशन की भी जरूरत नहीं पड़ती है, तब पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया इंड्यूस होते हुए देखी गई है। इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं कि जब जब हमारी फसलें पूरी पक जाती है सीजन में, तब टिड्डों की जो जनसंख्या है, जो लोकस्ट स्वार्मिंग है, वो देखी गई है। वो लोकस्ट स्वार्मिंग उस टाइम पार्थिनोजेनेसिस से ही इंड्यूस होती है, क्योंकि वहां पर फूड रिसोर्सेस जो होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं और कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, तब पार्थिनोजेनेसिस की प्रक्रिया को इंड्यूस होते हुए देखा गया है। यानी कि प्रकृति हमें कभी भी मरने नहीं देगी, कहने का मतलब ये है प्रकृति अपना रास्ता खुद ढूंढ लेती है। दूसरा, अगर हम बात करें, अगर हम कंडीशंस हैं, कंडीशंस की तो बात की हमने, अगर हम इसके टाइप्स की बात करें, टाइप्स ऑफ पार्थिनोजेनेसिस, तो पार्थिनोजेनेसिस जनरली जो नेचर में होता है, हम कहते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस, और जो हम लेबोरेटरी में इंड्यूस करते हैं, मैन मेड जो होता है, उसे हम कहते हैं आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को हम थोड़ा सा डिटेल में स्टडी करेंगे थोड़ा सा, लेकिन हम उससे पहले आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस के बारे में डिस्कस कर लें। पार्थिनोजेनेसिस में जैसे हम लैब में अगर हम बात करें, तो अगर ओवम को, अनफर्टिलाइज ओवम को अगर एक्सपोज किया जाए किसी रेडिएशन से, जैसे कि यूवी, एक्सरे एटसेट्रा, या अगर हम इसको बात करें केसीएल या फिर एनएससीएल से हम अगर इसको एक्सपोज करें, या फिर अगर हम दूसरा बात करें टेम्परेचर शॉक दें हम ओवम को लेबोरेटरी में, या फिर हम इलेक्ट्रिक शॉक दें, या फिर हम इसको किसी केमिकल शॉक दें, जैसे कि साइटोकेलेसिन से हम इसको मिक्स करें, तब ओवम में ये देखा गया कि जिन ओवम में नॉर्मल फर्टिलाइजेशन होता है उनमें भी पार्थिनोजेनेसिस प्रक्रिया इंड्यूस हो जाती है। हालांकि सभी एग्स में ऐसा नहीं होता है, लेकिन अगर लेबोरेटरी में अगर हम बात करें तो बहुत सारी एनिमल स्पीसीज में इन स्टिमुलस के प्रभाव में देखा गया कि पार्थिनोजेनेसिस इंड्यूस हो जाता है। लेकिन अगर हम नेचर की बात करें, नेचुरली जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है उसको फर्दर हम कई भागों में बांट सकते हैं। जैसे हम बात करें नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को तीन भागों में हम बांट सकते हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस को। फर्स्ट है हेप्लॉइड, या फिर हम इसे कहेंगे आरएनोटोकी पार्थिनोजेनेसिस, हेप्लॉइड पार्थिनोजेनेसिस। जैसा कि इसके नाम से आपको पता चलता है कि हेप्लॉइड मीन्स दो जो रिजल्टिंग एम्ब्रियो या फिर संतति पैदा होगी, प्रोगेनी, वो हेप्लॉइड होगी, उसमें हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होगी। आरएनोटोक, आरएनोटोक का अगर हम लेटिन रूट देखें तो आरएनोटोक पुराने ग्रीक कंट्री में उन लोगों को कहते थे जिनके केवल लड़के ही लड़के पैदा होते थे, बॉयज ही बॉयज होते थे, गर्ल्स नहीं होती थी। आज भी ऐसा होता है, अगर हम सोसाइटी में देखें तो उन्हें आरेनोटॉक कहा जाता था, वहीं से यह शब्द लिया है आरेनोटॉक की। इसमें क्या होता है कि ओनली मेल ऑफ स्प्रिंग्स पार्थिनोजेनेसिस के द्वारा ओनली मेल ऑफ स्प्रिंग्स ही पैदा होती है। जैसा कि अगर हम इसका वेल नोन एग्जाम्पल देखें तो हनी बी ड्रोन्स की अगर हम बात करें, हनी बी ड्रोन्स में क्या होता है कि जैसे फीमेल जो होती है वो डिप्लोइड होती है। अगर फीमेल जब अंडे देती है, उसमें सॉरी मियोसिस जब होता है, तो
उसके जो स्पर्म और ओवम बनते हैं वो हेप्लोइड होते हैं। अगर ये हेप्लोइड जो अंडा होता है वो अनफर्टिलाइज रहता है तो उसका डेवलपमेंट ड्रोन में हो जाता है, मेल में हो जाता है, और इस प्रक्रिया को हम कहते हैं पार्थिनोजेनेसिस। और अगर इस अंडे का दूसरे किसी स्पर्म से फर्टिलाइजेशन हो जाता है तब वापस डिप्लोइड फीमेल बन जाती है। यानी कि इसमें हनी बी में जो मेल हैं वो हमेशा हैप्लोइड होंगे, यानी कि हनी बी के जो मेल्स हैं उनकी हर सेल में हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो इस तरह के जो पार्थिनोजेनेसिस होती है उसे हम हैप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस या फिर आरहेनोटोकी हम इसको कहेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें दूसरी टाइप ऑफ जो नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस है उसे हम कहेंगे यहाँ पर डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, या फिर हम इसे कहेंगे थेलीटोकी। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि जो इन पार्थिनोजेनेसिस से जो इंडिविजुअल बनते हैं वो ओनली फीमेल ऑफ स्प्रिंग्स होती हैं। जो प्रोजेनी जो होगी वो ओनली फीमेल होगी। और थेलीटोक की जो वर्ड है वो थेलीटोक से बना है। पुराने ग्रीक कंट्री में उन इंडिविजुअल्स को जिनके सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां पैदा होती थी, लड़के नहीं होते, उन्हें थेलीटोक्स कहा जाता था। आज भी ऐसा होता है सोसाइटी में, तो वहीं से ये शब्द लिया गया है थेलीटोकी। इसका वेल नोन एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है विप टेल लेजर्ड, इसका वेल नोन एग्जाम्पल है, एक रेप्टाइल है जिसका जूलॉजिकल अगर हम नेम की बात करें तो लेजर्टा सेक्सिकोला इसको हम कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल होते हैं फीमेल जो होती है उसमें मियोसिस नहीं होती है। मियोसिस नहीं होती है मतलब जो इंडिविजुअल है वो डिप्लोइडी होंगे, और इनसे जो जो प्रोगेनी होती है वो भी फीमेल ही पैदा होती है। यानी कि इनमें मेल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं, यानी कि मेल्स प्रेजेंट नहीं है इस पॉपुलेशन में। इस कारण से इसको डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस, और इसमें मियोसिस भी अब्सेंट है, इसलिए जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो हाफ नहीं होते। ऐसा कैसे हो सकता है? इसके कई तरीके हो सकते हैं। डिप्लोइड पार्थिनोजेनेसिस से अगर हम थेलीटोकी की बात करें तो इसका एक तरीका तो यह है कि नॉन सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, जो क्रोमोसोम का सेपरेशन है वो नहीं हो पाता है किसी वजह से, जिस कारण से जो इंडिविजुअल है वो हमेशा डिप्लोइड रहते हैं। और दूसरा है जो ऑटो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया जिसे हम कहते हैं, इसमें क्या होता है कि जो पोलर बॉडी होती है वही स्पर्म की तरह काम करके और उसी ओवम के साथ फ्यूज हो जाती है, यानी कि वापस जो डिप्लोइडी है वो रिस्टोर हो जाती है। तो इस तरह से जो एनिमल है वो अपने क्रोमोसोम डिप्लोइड रिटेन कर पाता है और अपनी संतति को आगे बढ़ाता रहता है। लेकिन इसमें मेल्स जो हैं वो अब्सेंट होते हैं। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर हम इसकी बात करें तो इंटरेस्टिंग बात है। जो थर्ड टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस की अगर हम बात करें तो जैसा कि हम बात करें थर्ड टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस जिसे हम कहेंगे सॉरी ड्यूटेरोटोकी। ड्यूटेरोटोपी, ड्यूटेरो मीन्स सेकेंड और बोथ। इस तरह के जो पार्थिनोजेनेसिस से जो ऑफ स्प्रिंग होगी वो मेल भी पैदा हो सकते हैं एंड फीमेल भी ऑफ स्प्रिंग पैदा हो सकती है। और इस तरह का पार्थिनोजेनेसिस देखने को मिलता है, इसका वेल नोन एग्जाम्पल है, एक सब स्पीसीज है जिसका नाम है एपिस मेलिफेरा कैपेंसिस। ये हनी बी की सब स्पीसीज है जिसमें इस तरह का ड्यूटेरोटोकी देखने को मिलती है। इस तरह का जो अगर हम बात करें तो ये उन एनिमल्स में देखने को मिलेगा जिनमें जेनेटिक सेक्स डिटर्मिनेशन न पाया जाकर इन्वायरमेंटल या दूसरा सेक्स टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन हो, यानी कि टेम्परेचर या हार्मोन से रिलेटेड, तब ये ड्यूटेरोटोकी देखने को यहाँ पर हमें मिलती है। और अगर हम इसकी बात करें कि इसका सबसे मेन डिसएडवांटेज जो होता है पार्थिनोजेनेसिस का वो ये होता है कि इंडिविजुअल्स में कोई भी वेरिएशन नहीं पाया जाता है। इस वेरिएशन नहीं पाए जाने के कारण स्पीसीज ज्यादा समय तक सरवाइव नहीं कर पाती है, और इस कारण से पार्थिनोजेनेटिक स्पीसीज लगातार एक्सटिंक्ट होती रहती है और नई स्पीसीज वापस बनती रहती है। थैंक यू।